सो so, अभी तक अपन ने प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपन ने अच्छे से समझ लिया है चाहे फिर वो एवरेज हो चाहे फिर वो मार्जिनल हो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इस चीज के अंदर काफी डाउट्स होंगे तो आज का ये जो वीडियो है ये इसके अंदर मैं आपको रिलेशनशिप समझाने वाली हूँ बिटवीन एपीएस एंड एपीसी एंड एम पी एस एन एम पी सी सो हेलो एवरी वन दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोर शाला इस वीडियो के अंदर अपन सिर्फ इन चार फैक्टर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं Alright, तो चलिए इसको start करते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि ये अपन किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं सो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कंजम्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन ये चार चीजें अपन ने समझी हैं। ये सारी के सारी रिलेटेड हैं हमारी इनकम से जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा लेवल ऑफ कंजम्पन भी बढ़ता है और साथ ही साथ हमारा लेवल ऑफ सेविंग भी बढ़ता है जब अपन रेट को कंसिडर करते हैं कि किस रेट से हमारी इनकम बढ़ रही है उसके कॉरिस्पॉन्डली किस रेट से हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है और किस रेट से हमारी सेविंग बढ़ रही है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एम और एम की जरूरत पड़ती है जब अपन टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन या फिर टोटल इनकम और टोटल सेविंग के रेशियो को देखते हैं या फिर प्रपोर्शन को देखते हैं तो वो एवरेज का पार्ट होता है जब अपन एडिशनल के बारे में बात करते हैं कि भाई इनकम बड़ी है तो हमारी कंजम्पन कितना बड़ा होगा या फिर इनकम बड़ी है तो हमारी सेविंग कितनी बड़ी होगी तो एडिशन की जब अपन बात करते हैं तो वो मार्जिनल का पार्ट होता है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ दैट इज

तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो एस्पेक्ट हैं एक है एवरेज और दूसरा है मार्जिनल ठीक है एवरेज के अंदर अपन टोटल एवरेज के अंदर अपन किसके बारे में बात करते हैं टोटल कंजम्पशन ओके टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम ठीक है इन एवरेज मार्जिनल के अंदर अपन क्या बात मार्जिनल के अंदर अपन क्या बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज की अपन बात करते हैं ठीक है सो चेंज इन कंजम्शन अपॉन चेंज इन इनकम तो ये दो एस्पेक्ट हैं किसके प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के एपीसी के अगर तरफ देखें तो इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं सी अपॉन वाई से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की तरफ देखें तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई ओके टू सेव के के ऊपर आते हैं तो इसका इसके अंदर अपन किस चीजों के बारे में बात करते हैं तो इट दी रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम ठीक है यहाँ पे रेशियो शो होता है आपको सेविंग सेविंग के बीच में और आपकी इनकम के बीच में इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू तो सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू तो सेव वही एवरेज के अंदर टोटल अपन टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम करते हैं मार्जिनल के अंदर चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम अपन देखते हैं ठीक है नाउ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड टू सेव अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है दोनों फॉर्मूला बताऊं तो वो भी, उसके अंदर भी थोड़ा लिए आसान कर देती हूँ तो एक तरफ अपन ले लेते हैं सी फंक्शन ठीक है सी फंक्शन और एक तरफ अपन ले लेंगे एस फंक्शन एलजेब्रिक प्रेजेंटेशन की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है एलजेब्रिक एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ठीक है सो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला किस तरीके से होता है सी इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस सी जब आपकी इनकम जीरो होती है ठीक है तब आपका जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है ये वो है प्लस बी वाई बी क्या है बी आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ठीक है मार्जिनल यानी कि इसको आप कैसे निकालते हो इसको आप निकालते हो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई करके राइट right? और फिर वाई तो आपकी इनकम को शो ही करता है ठीक है अब आ जाओ एस फंक्शन पे तो आपको पता है जब ऑटोनॉमस कंजम्पन की सिचुएशन होती है तो वहां पे सेविंग क्या होती है नेगेटिव होती है तो इस सिचुएशन के अंदर ऑटोनॉमस कंजप्शन जो भी होता है आपका वो वही आपकी नेगेटिव सेविंग होती है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लग जाता है प्लस वन माइनस बी बी क्या है आपका मैंने अभी बताया था बी है आपका एम पी सी एम पी सी जो भी होता है मैंने आपको समझाया था ना उसमें से आप वन माइनस कर दो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा एम पी एस निकल के आ जाएगा ठीक है और फिर यहां पे आपकी इनकम आ जाती है सो so, ये है इन दोनों का एल्जिब्रिक प्रेजेंटेशन ठीक है इस बेसिस पे अपन काफी बार क्या कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व अपन करते हैं रिलेशनशिप के बाद अगर बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव इज एज फॉलोइंग इक्वेशन अब यहां पे मैंने आपको ये बताया ना ये चीज कि जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में से आप वन माइनस कर देते हो तो आपके पास में एम पी एस निकल के आ जाता है ये जो रिलेशनशिप है ना ये मैं आपको समझाती हूँ इधर आगे तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चाहे आप एपीसी प्लस ए पी एस कर लो ये दोनों किसके बराबर होते हैं वन के बराबर होते हैं चाहे आप एम पी सी प्लस एम पी एस कर लो ये दोनों से आपको कुछ भी निकालना है जनरली आपके पास में एम पी सी गिव होता है या फिर जब आप जैसे अगर आपको सेविंग फंक्शन निकालना है तो आपके पास में एम पी सी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा ठीक है और अगर एम पी सी ही निकालना है तो उसके अंदर तो आप आपको बस फॉर्मूले में क्या करना है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू डालनी है ये तो आप चेंज के थ्रू आप निकाल ही लोगे ठीक है और फिर इनकम से आपको इसको इंटू कर देना है तो ये कंजम्पशन फंक्शन निकल जाएगा ठीक है तो एम पी सी कह लो या फिर वो चेंज कह लो इट्स सेम थिंग मैं अभी बात कर रही हूँ कि जैसे आपके पास में एम पी सी वे ने और आपको एम पी एस निकालना है तो आपको बस सडनली क्या करना रहेगा एम पी सी ये प्लस में है ना ये प्लस में है तो उधर माइनस में आ जाएगा तो माइनस वन कर दो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा एम पी एस निकल के आ जाएगा ठीक है सो so, यहाँ पे भी सेम यही चीज वर्क करती है सो so, बात ये है कि जैसे अगर कोई चीज हंड्रेड है अब इसके आप कितने भी कैसे भी टुकड़े करो आपको दो टुकड़े करने हैं और दो टुकड़े इस तरीके से करने के जब आप उनको प्लस करो तो आपका हंड्रेड बने वो चाहे आप इसको सिक्सटी फोर्टी कर दो चाहे आप इसको फिफ्टी फिफ्टी कर दो चाहे आप इसको ट्वेंटी एट्टी कर दो जितने भी पेयर्स बनेंगे इन पेयर्स को जब आप प्लस करोगे तो आपका हंड्रेड ही तो बनेगा ना तो एक चीज अगर आपको गिवन है आपको ये गिवन है कि भाई टोटल हंड्रेड है जिसमें से सिक्सटी आपको गिवन है तो आप निकाल सकते हो ना पीछे कितना बचा हुआ है फोर्टी बचा हुआ है फिर बोल दिया कि टोटल आपके पास में हंड्रेड गिवन है और आपको पता है कि फिफ्टी एक जगह पे गिवन है तो आप बचा हुआ क्या है फिफ्टी है वो भी आप निकाल सकते हो ठीक है वन की अगर अपन बात करें तो वन के भी इस तरीके से बहुत टुकड़े हो सकते हैं पॉइंट में होंगे नो डाउट तो जब पॉइंट में होंगे तो या तो ये हो सकता है कि 0.5 0.5 हो तो आपको पता है कि दोनों को प्लस करके मैं वन बना सकता हूं तो कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके पास में एम पी सी है तो आप वन से उसको माइनस करके एम पी एस निकाल सकते हो ठीक है तो आपके पास में अल्टीमेटली एम पी एस इजिली निकल के आ सकता है दो चीज अगर आपको गिवन है तो वो थर्ड चीज आप इजिली निकाल सकते हो तो यही यहाँ पे रिलेशनशिप है एम पी सी और एम पी एस के बीच में और एपीसी और एपीएस के बीच में एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू वन बिकॉज इफ से हाफ ऑफ द टोटल इनकम इज स्पेंड दे अदर हाफ ऑफ द टोटल इनकम मस्ट बी सेव्ड जैसे हमारी जो भी इनकम होती है हमने ये देखा है कि हमारी इनकम के दो पार्ट होते हैं हम या तो कंज्यूम करते हैं या हम सेव करते हैं अब हमारी इनकम चाहे कुछ भी हो है ना उसके हम दो ही पार्ट करेंगे ठीक है अगर आधी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो आधा तो हम सेव ही करेंगे ना अभी आधा आधा तो कुछ भी हो सकता है ठीक है तो यही आ, टोटल इनकम का आपके यहाँ पे दो पार्ट्स है जैसे अगर थ्री फोर्थ जो इनकम है थ्री फोर्थ अगर इनकम आप कंज़म्पशन पे खर्च कर रहे हो तो वन फोर्थ क्या करोगे आप वन फोर्थ तो आप सेव करोगे ना राइट ऑफ टोटल इनकम सेव सिंपली बिकॉज़ क्यों क्यों ऐसा एस क्यूं है क्योंकि आपके इनकम के दो ही पार्ट होते हैं तो ये हो बात आपकी, ETC, के. भी इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो सी अपॉन वाई एपीएस की अगर अपन बात करें तो इसको आप कैसे तो लिखते हो एस अपॉन y. हमें ये भी पता है that y is equals to c plus s. ठीक है? So that APC plus APS. हमें ये भी पता है कि y is equals to c plus s. y ले लो यहाँ पे आप common is equals to y upon y one. ठीक है? वापस से समझाती हूँ. देखो. c upon y एपीसी एस अपॉन वाई ए पी एस ठीक है क्लियर अब देखो हमें ये पता है दैट वाई के दो पार्ट्स हैं सी प्लस एस ठीक है अब अगर अपन बोलें दैट ए पी सी प्लस ए पी एस हमें लिखना है तो अपन ऐसे ही लिखेंगे ना सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई यही वाली चीज अपन नीचे उतार लेंगे तो y y तो a की लिख लेते हैं अपन तो c प्लस एस अपॉन वाई कॉमन ले लेते हैं ठीक है अब c प्लस एस क्या होता है y होता है और ये वाला y अपन ऐसे ही उतार लेते हैं तो जब इनको अपन जब इनको अपन कट करेंगे तो अपने पास में क्या निकल के आएगा वन निकल के आएगा तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू अपन बोल सकते हैं दैट apc प्लस एपीएस इज ऑलवेज वन ठीक है अब यहाँ पे मार्जिनल के अंदर भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है वो भी किसके बराबर होता है वन के बराबर होता है किस तरीके से तो यहाँ पे एम पी सी एंड एम पी एस लेते हैं सो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है वन आता है ठीक है तो चेंज इन सी प्लस चेंज इन वाई वाई कॉमन ले लेते हैं फिर अपन यहाँ पे ये यह बोल सकते हैं चेंज इन सी चेंज इन सी और चेंज इन फिर अब यहाँ पे अगर अपन इसको नोट डाउन करते हैं चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस अपॉन बाय कॉमन ले लेते हैं पे चेंज इन ठीक है सी प्लस एस किसका पार्ट होता है हमारी इनकम का पार्ट होता है ना तो चेंज इन वाई और ये वाई एज इट इज मैं यहाँ पे उतार लूंगी इसको अपन ने कट किया तो हमारे पास में क्या निकल के आया वन निकल के आया सो हें पी सी प्लस एम पी एस है यहाँ पे है ना एम पी रिलेशनशिप right? तो मुझे आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करना था अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्लियर तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच